आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। अमरावती जिले के मोर्शिद तहसील में महिला का मिला शव। अमरावती जिले के मोर्शिद तहसील में तेरे गांव शिवार में एक आदिवासी महिला का नग्न अवस्था में शव मिला है। महिला की पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने महिला का चेहरा पत्थर से कुचल दिया। बलात्कार कर महिला की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अमरावती जिले के मोर्शिद तहसील के तड़ेगांव शिवार में एक आदिवासी महिला का नग्न अवस्था में शव मिला है। महिला की पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने महिला का चेहरा पत्थर से कुचल दिया। महिला के सिर के घाव दिखावे बलात्कार कर हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। गांव के पुलिस पाटिल के खेत में महिला का शव मिला। पुलिस ने महिला की पहचान जुटाकर आगे की जांच शुरू की। त्यांच्या शेत शिवारात एका महिलेचे प्रेत जे आहे ते पडलेले आहे अशा माहितीवरून आम्ही त्या ठिकाणी गेलो। एका महिलेचे 35 ते 40 वर्ष वयोगटातील अनोळखी महिलेचे प्रेत त्या ठिकाणी पडलेले होते। आमच्या समोरचं सगळ्यात मोठं चॅलेंज होतं त्या मृतक महिलेची ओळख पटवणे, कारण तिचे तोंडसुद्धा दगडाने ठेचलेले होते, चेहरा विद्रूप केलेला होता। या व्यतिरिक्त तिच्यावर बलात्कार केल्याचाही दाट संशय होता, त्यामुळे तपासचक्रे फिरवण्यात आली। सदर प्रकरणी कलम 302, 376, 201 भादवीप्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। त्या महिलेचं नाव जे आहे ते सागरती धुर्वे, राहणार नजरपूर मध्य प्रदेश असे उघडकीस आलेले आहे। तिचे वय वर्ष 40 असे सुद्धा उघडकीस आलेले आहे। फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पे भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। नमस्कार।